वो स्ट्रेट कट बताने जा रही हूँ जो नॉर्मली लोगों को बहुत इजी लगता है, बट उसको तरीके से करा जाए तो बहुत मुश्किल भी है और बहुत इजी भी। तो नॉर्मली आपको सबसे पहले कटिंग में ये ध्यान रखना है कि हमेशा क्लाइंट जो होता है आपका कस्टमर, उसकी गर्दन हमेशा नीचे रखो, ये नहीं कि आप ऐसे हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़ है, जब आप कट करते हो तो चेयर हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि आप बैक में इजीली कट कर पाओ। तो ये दो तीन चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि आप चेयर ऐसे होगी फिर आप ऐसे करके कट करोगे तो कट ढंग से नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए कट करना है। तो मैं आपको अब बताती हूँ, पहले स्प्रे करेंगे हम सारे बालों को। स्प्रे करने के बाद सेंटर पार्टिंग करने के बाद सेंटर पार्टिंग करेंगे हम। नीचे देखो, आप आगे हो जाओ थोड़ा। इनका पहले से यू कट हो रखा था, पहले यू कट था ना। अंदर रोक दे। और जब भी कट करते हो तो आपको ये दोनों साइड से चेक करना है कि छोटे बड़े तो नहीं है, इस साइड से भी। बंद करो। अब हम आगे से देख रही है इसको, हम आगे से अब फ्लिक करेंगे। तो फ्लिक के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर आप रेजर कट नहीं कर रहे हो, स्ट्रेट है, तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है आगे से, क्योंकि सिर्फ आपको आगे से नहीं देखो। हम अपने क्लाइंट को बोलेंगे अपना फेस ऐसे ऊपर करें, और ये इसकी गाइडलाइन लेके इस तरीके से स्ट्रेट। ये आपकी फ्लिक हो गई जो कान के पीछे आप इजीली, और ये आपका स्ट्रेट कट जैसे कि ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मुंता बंद कर दें।